ये मीठा कंपनी का हाइड्रोलिक होता है, ये वर्ल्ड का टॉप होता है जिसका हाइड्रोलिक बहुत ही अच्छा माना जाता है और इसकी सेंसिंग ही बहुत ही। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो पर हम एक ऐसे ट्रैक्टर का रिव्यू करने वाले हैं जो कि जापानी टेक्नोलॉजी से लैस इंडिया पर तबाही मचाने वाला और किसान के दिलों पर राज करने वाला कुबोटा MU4501 का। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों इस वीडियो के डेडिकेटेड बॉय हैं तबिश एग्रो कुबोटा शोरूम कटनी मध्य प्रदेश और इस ट्रैक्टर का रिव्यू यहां के मैनेजर साहब कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जी मैं मिथुन पटेल तबिश एग्रो कुबोटा ट्रैक्टर शोरूम पे मैनेजर के पोस्ट पे हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा और स्वागत करना चाहूँगा। जैसा कि आज हम कुबोटा के MU4501 ट्रैक्टर पे जो है हम रिव्यू बनाने जा रहे हैं, तो आइए हम इसके बारे में डिटेल से देखना चाहेंगे और मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। देख सकते हैं अपना जो ब्रांड है उसका मॉडल नंबर है MU4501 और डिजाइन बाय कुबोटा इन जापान। ये जापान का बना हुआ ट्रैक्टर है और इस ट्रैक्टर में जैसे अपन देख सकते हैं लोबो जो है ये भी उभरे हुए और अट्रैक्टिव में है, अट्रैक्टिव वर्ड में है। यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन में है कुबोटा क्वाड 4 पिस्टन इंजन है, अपना सिंक्रोमैस गेयरबॉक्स है और ड्यूअल PTO है और ड्यूअल क्लच में आता है अपना। और देख सकते हैं अपना सटल शिफ्ट गेयरबॉक्स भी आता है, ऑयल बाथ अपना ब्रेक आते हैं और पावर स्टेयरिंग में आता है अपना ये ट्रैक्टर। दोस्तों मैं और भी आपको गहराई से जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको इंजन के बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि अपना जो इंजन है कुबोटा का खुद का बनाया हुआ इंजन है और ये अपना देख सकते हैं कुबोटा का क्वाड 4 इंजन है जिसको अपन ने देखा है KQ4P। ये है अपना कुबोटा का क्वाड 4 इंजन। ये 4 सिलेंडर में ही आता है और ये बहुत ही कॉम्पैक्ट इंजन होता है। इसमें नैरो रिंग नैरो पिस्टन होते हैं और इसका नोजल जो है DI की अपेक्षा खड़ा हुआ होता है जिसके कारण जो है हमारा कम डीजल में ज़्यादा पावर जनरेट करता है और साथ ही साथ नैरो रिंग नैरो पिस्टन होने के कारण हमारे इंजन की घिसावट कम होने से इंजन की लाइफ को ये बढ़ाता है। साथ ही दोस्तों इसमें जो है अपना बैलेंसर शाफ्ट होता है इंजन में जो क्रैंक शाफ्ट के लेफ्ट एंड राइट साइड में होता है और क्रैंक शाफ्ट से जस्ट दोगुनी स्पीड से विपरीत दिशा में घूमता है जिसके कारण वाइब्रेशन और साउंड को जो है ये दबा देता है जिसके कारण हमारी गाड़ी जो है लो मेंटेनेंस हो जाती है। दोस्तों जैसा देखेंगे अपना जो एयर क्लीनर है ये ड्राई एयर क्लीनर है और ये हमारा फ्रंट में कि जैसे हम इसके रख रखाव के लिए डेली हम जैसे सामने से बोनट खोलते हैं तो हमारा एयर फिल्टर सामने होता है, इसको हमें डेली साफ करना होता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक होता है कि हम खोलते हैं और तुरंत हमको एयर फिल्टर मिल जाता है और साफ़ कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हमारी बैटरी भी जो है सामने है और इसका रख रखाव के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा सामने होने से हम इसमें हमारी डेली की नज़र पड़ सकती है और इसकी जो कमियां होगी हम इसको दूर करते रह सकते हैं। अपना कूलेंट भी जो है कूलेंट का जो रिकवरी बॉटल होती है वो हमारी फ्रंट में है कि हम देख सकते हैं इसमें हमारा कूलेंट हमारा कितना कम है कितना ज़्यादा है, इसको रिफ़िल करने के लिए हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक होता है। इसके साथ ये हमारा रेडिएटर है जिसके सामने हमारी एक जाली लगी हुई है जो कि डस्ट आता है तो हमारी ये जाली में ही रुक जाता है जिससे हमारा रेडिएटर चोक नहीं होता है, तो यहाँ से हमारी लाइफ अच्छी होती है जिसके कारण हमारे इंजन को कूलिंग बराबर मिलती रहती है। देख सकते हैं आपने ये चेचेस देख रहे होंगे, ये डिफरेंट चीज़ हैं जो कि किसी भी ब्रांड में आपको ये चेचेस बॉडी नहीं मिलेगी और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो इंजन को डायरेक्ट एक्सल में ला के रेस्ट करती है और इससे कभी यदि हम टोक करके यदि हम गाड़ी को खींचना भी चाहें तो हमारी गाड़ी बीच से क्रैक नहीं होती, टूटती नहीं है। तो ये हमारी मजबूती के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके साथ दोस्तों जैसे देख सकते हैं ये हमारी गाड़ी में पावर स्टीयरिंग आता है लेकिन हमारी गाड़ी में आपको डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिलेगा जिसको ऑपरेटिंग करने में बहुत ही सुविधाजनक होती है, ड्राइवर हमारा बहुत ही स्मूथली तरीके से इसको ऑपरेट कर सकता है। इस बैक साइड से हमारे गाड़ी का लुक कैसा है और यहाँ पर क्या स्पेशल है तो जैसा कि अपन देख पा रहे हैं इसमें जो हमारा सबसे पहले मैं गेयरबॉक्स के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पे हमारा सिंक्रोमैस गेयरबॉक्स होता है जबकि मोस्टली यदि किसी कंपनी यदि कोई देती है तो 55 HP प्लस में ही मिलेगा आपको जो जबकि हमारे हर ब्रांड में हर मॉडल में आपको फुली सिंक्रोमैस गेयरबॉक्स मिलेगा जो ऑपरेटिंग के लिए बहुत ही लाभदायी होता है और हमारे लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है और ऑपरेटिंग हमारी बहुत ही आसान होती है। इसके साथ ही साथ लेफ्ट हैंड में हमारा मिलेगा सटल शिफ्ट जिसमें हमारा हाई लो एंड रिवर्स जिसके कारण हमारी जो है 8 फॉरवर्ड एंड 4 रिवर्स होती है, हमारा गेयरबॉक्स जो है 8 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स होता है। साथ ही साथ हाइड्रोलिक के बारे में हम देखना चाहेंगे, हमारा ये मीठा कंपनी का हाइड्रोलिक होता है, ये वर्ल्ड का टॉप होता है जिसका हाइड्रोलिक बहुत ही अच्छा माना जाता है
और इसकी सेंसिंग ही बहुत ही अच्छी होती है। यदि कभी हमारे हाइड्रोलिक की सेंसिंग में भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इसको बाहर से ही बना सकते हैं, और यदि हाइड्रोलिक में कोई प्रॉब्लम यदि आती है, हाइड्रोलिक काम नहीं करता, तो उसको भी हमें बिना टापा उठाए हम डायरेक्ट उसको बाहर से ही बना सकते हैं। हमारे हाइड्रोलिक की लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में, तो इसकी 1640 केजी जो है लिफ्टिंग कैपेसिटी है, और इसके बाद हमारा पीटीओ है, पीटीओ 45 एचपी का हमारा ये इंजन है। इसमें 41.1 एचपी पीटीओ हॉर्स पावर होती है, जिसमें 540 और 750 आरपीएम अपन को राउंडिंग मिलते हैं, 750 और 540 राउंडिंग मिलते हैं। इसके बाद हमारा जो है पीटीओ को ऑपरेट करने के लिए हमारा ये गेयरबॉक्स होता है 540 और 750 का, और इसके लिए ऑपरेट करने के लिए ड्यूअल क्लच, जैसा मैंने बताया था ये हमारा ड्यूअल क्लच है, हम इसको आगे लगाएंगे, ये हमारा क्लच इंगेज होगा, और जब हमारा पीटीओ का काम नहीं होता हम इसको पीछे कर देते हैं, डिसइंगेज कर देते हैं, जिससे हमारी क्लच की लाइफ भी बरकरार रहती है। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं इसमें जो है हमारा MRF का ही टायर आता है, जैसे पिछला टायर हमारा 14928 का होता है और अगला टायर हमारा 750-16 का होता है। इसमें हमारा MRF का टायर होता है 750-16 और पिछला टायर हमारा 14928, ओनली इसमें MRF के ही टायर आपको मिलेंगे। इसके बाद जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे इसकी फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है वो 60 लीटर की कैपेसिटी है। इसके बाद हमारे स्टेयरिंग में चढ़ने के लिए हमारा एक पैरदान के साथ हम गाड़ी में चढ़ सकते हैं, और चढ़ना भी बहुत ही आरामदायक है, आसानी के साथ हम चढ़ सकते हैं। से वो चढ़ सकता है, उतर सकता है, खड़ा हो सकता है, कुछ भी किया जा सकता है बड़े ही आराम से। इसके बाद जैसे कि हम मैंने क्लच को दबाया, ये हमारे सस्पेंडेड क्लच होते हैं जिसको लगाना बहुत ही आरामदायक होता है, बहुत ही आसान होता है। क्लच और ब्रेक हमारे पूरे सस्पेंडेड मिलेंगे। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा जो मीटर है ये डिजिटल मीटर है, जिसको नाइट हो या डे हो आसानी से देखा जा सकता है और गाड़ी को मेंटेन किया जा सकता है।